मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रितिका राठौर फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर क्लास फर्स्ट। इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 8 जो कि आपकी पोएम थी द स्विंग्स, वो मैंने रीड करके आपको एक्सप्लेन किया था। उसका जो वर्क था, कॉपी वर्क, वो मैंने आपको बता दिया था कि आपको कॉपी में क्या वर्क करना है। अपनी बुक एक्टिविटी भी हो चुकी थी। अब चैप्टर 8 द स्विंग के बाद आपका आता है चैप्टर 9 गीगल्स हैज अ टूथ एक, कि गीगल्स के दांतों में दर्द। तो यहाँ पर इस पोयम में, इस चैप्टर में क्या है, एक गीगल्स नाम का एक हिप्पो है, लिटिल हिप्पो, उसके दांत में दर्द शुरू हो जाता है। तो वो कैसे शुरू होता है ये चैप्टर में अपन रीड करेंगे। तो चैप्टर मैं रीड कर रही हूँ, रीड एंड रिजॉयस गीगल द लिटिल हिप्पो लव द स्वीट्स। यहाँ पे क्या लिखा है कि गीगल, गीगल कौन है, ये है गीगल, ओके। इसको क्या खाना पसंद है, इसको स्वीट्स मतलब मीठा खाना पसंद है। तो यहाँ पे क्या लाइन लिखी हुई है, गीगल द लिटिल हिप्पो लव स्वीट्स, उसको स्वीट्स मतलब मीठा खाना बहुत पसंद है। फिर नेक्स्ट बॉक्स में देखो, यम यम आई जस्ट लव स्वीट्स। गीगल्स क्या सोच रहे हैं कि यम यम, मुझे आई जस्ट लव स्वीट, मुझे ये स्वीट्स बहुत पसंद है। नेक्स्ट नीचे, गीगल्स यू आर ईटिंग स्वीट्स अगेन, स्टॉप इट नाउ। तो यहाँ पर उसकी मम्मी आके बोलती है गीगल्स को, जो कि क्या कर रहा था, स्वीट्स खाने बैठ चुका था, उसको उसकी मम्मी आके बोलती है कि स्टॉप इट नाउ गीगल्स यू आर ईटिंग स्वीट्स अगेन, कि तुमने स्वीट्स खाना वापस स्टार्ट कर दिया, अब इन्हें बंद कर दो, स्टॉप इट नाउ। तो गीगल्स क्या बोलता है, प्लीज प्लीज मम्मी, वो प्लीज बोलता है अपनी मम्मी को, जस्ट अ फ्यू मोर, मेरे को थोड़ी और खाने दो, जस्ट अ फ्यू मोर। फिर वो ये लाइन बोलते ही वापस क्या बोलता है, यू नो हाउ मच आई लव स्वीट्स, आपको तो पता ही है कि मेरे को स्वीट्स कितनी ज्यादा पसंद है। फिर उसकी मम्मा क्या बोलती है, स्टॉप इट गीगल्स और यू विल हैव अ बैड टूथ एक, कि तुमने ये खाना बंद नहीं किया तो तुम्हारे दांतों में बुरा दर्द होगा। स्टॉप इट गीगल्स यू विल बी हैव अ बैड टूथ एक, मतलब दांतों में दर्द होना। फिर नेक्स्ट पेपर पे देखो, प्लीज मम्मी जस्ट टू मोर, फिर वापस जिद करके बोलता है कि मेरे को दो और खाने दो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, वो वापस जिद कर रहा है दो स्वीट्स और खाने की। If you do not listen, giggles, you will be sorry. I am going to hide this jar. कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे गीगल, तो मैं ये जार जाके छुपा दूंगी। उसकी मम्मा ये जार उससे ले लेती है और ये बोलती है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे गीगल, तो मैं ये जार जाके छुपा दूंगी। किसका जार, स्वीट्स का जार। आई नो वेयर द स्वीट्स आर, गीगल छुपके से देख लेता है। देखो आपको इस पिक्चर में देख रहा है कि वो उसकी मम्मा कहाँ रख रही है, तो वो क्या बोलता है, आई नो, मेरे को पता है वेयर द स्वीट्स आर, कि स्वीट्स कहाँ पे रखी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो आप कि उसने स्वीट्स का डब्बा निकाल लिया और खाने लगा। फिर नीचे वाली फोटो में देखो, वो उसकी रोने वाली पिक्चर है, उसने कितनी सारी स्वीट्स खत्म कर ली। और नेक्स्ट नीचे वाली पिक्चर में उसने रोने वाली पिक्चर है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, व्हाट इज इट, टेल मी सन व्हाट इज इट। उसकी मम्मा उसकी रोने की आवाज सुनते ही आती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, व्हाट इज इट, टेल मी, मे को बोलो, सन, सन मतलब बेटे, व्हाट इज इट, क्या हुआ तुम्हारे। तो गीगल्स क्या बोलता है, ओ ओ माय टूथ ओ हर्ट्स ओ ओ, क्या बोलता है वो, कि मेरा दांत, ओ मेरा दांत, ऐसे करके रोने लग जाता है। ओ नाउ यू हैव टू टेक, डिड यू ईट मोर स्वीट्स। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम्हारे दांतों में दर्द स्टार्ट हो गया, क्या तुमने और स्वीट्स खाई थी। डू नॉट क्राई डियर, द डेंटिस्ट विल मेक यू विल बी वेल अगेन। तो उसकी मम्मा उसको बोलती है, डू नॉट क्राई, मतलब तुम रोना बंद करो, जो डेंटिस्ट है वो तुम्हें वापस पहले जैसा, मतलब वापस सही कर देंगे। वेल अगेन, स्निफ स्निफ, वो वैसे भी रोने लगता
है। प्लीज हेल्प मी डॉक्टर, ही हैज अ टूथ एग। तो डॉक्टर को गीगल्स की मम्मा बोलती है कि मेरी हेल्प करो डॉक्टर, इसके दांतों में दर्द है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, नाउ लिटल वन यू हैव ईटन टू मैनी स्वीट्स, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि लिटल वन, छोटे बच्चे, तुमने बहुत सारी स्वीट्स खाई होगी, चलो मेरे को, मुंह खोलो, मेरे को देखने दो क्या मैं कर सकता हूँ। आफ्टर 30 मिनट्स, आधी घंटा बीत जाने के बाद देखो क्या होता है। रिमेंबर सन, डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, रिंस योर माउथ एवरी टाइम्स यू ईट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड द नाइट, नाउ देयर इज नो पेन, थैंक यू डॉक्टर। तो गीगल्स क्या बोलता है आफ्टर 30 मिनट्स के बाद कि थैंक यू डॉक्टर, मेरे को अब पेन, मतलब दर्द नहीं हो रहा है दांतों के अंदर। तो डॉक्टर वापस क्या बोलते हैं, रिमेंबर, रिमेंबर सन, डू नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स, कि तुम ध्यान रखोगे कि तुम बहुत सारी स्वीट्स नहीं खाओगे। राइंस योर माउथ एवरी टाइम यू ईट, ब्रश योर टीथ, जब भी तुम कुछ भी खाओगे उसके बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ करके ब्रश करना। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, ब्रश तुम्हें दो दिन में दो बार करना होगा, इन द मॉर्निंग एंड द एंड एट द नाइट। और एक तो मॉर्निंग में ब्रश करना है और एक नाइट में आपको ब्रश करना है। ये किसने बोला था, डॉक्टर ने बोला था। किससे बोला था, जो गीगल्स है, लिटिल हिप्पो है, उसको बोला था। क्या बोला था कि ना तुम ज्यादा मिठाई खाओगे और अपना अपने मुंह को हमेशा साफ रखोगे खाने के बाद, और दिन में दो बार ब्रश करना है, एक मॉर्निंग में करना है और नाइट में करना है। फिर नीचे देखो, आई एम सॉरी आई डिड नॉट लिसन टू यू मम्मी, आई विल नेवर डू इट अगेन। फिर वो अपनी मम्मी को सॉरी बोलता है और ये बोलता है कि मम्मी मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आई एम नॉट टू यू मम्मी, आई विल नेवर डू इट अगेन, मैं आज के बाद ये वापस दोहराऊंगा नहीं, आई विल नेवर डू इट अगेन। फिर उसकी मम्मा क्या बोलती है, सो लॉन्ग एज यू रिमेंबर यू प्रोमिस गीगल्स, तुम ये याद रखना गीगल्स कि तुमने मुझसे प्रोमिस किया है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये चैप्टर, इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में क्या था कि गीगल्स नाम का एक लिटल हिप्पो था, उसको मिठाई खाना पसंद था, वो एवरी टाइम क्या करता था, मिठाई खाता था। फिर उसकी मम्मा जब उससे लेने आई तो उसने जिद करके क्या बोला कि मेरे को फ्यू मोर और खाने दो। जब उसकी मम्मा ने जार छुपा दिया तो उसने चुपके से वो जार देख के वापस उन मिठाइयों को खाने लग गया। फिर उसके दांतों में दर्द स्टार्ट हो चुका था। फिर उसकी मम्मा आके उसको पूछती है कि उसकी दांतों में दर्द है, तो उसने बोला हाँ उसके दांतों में दर्द स्टार्ट हो गया था और वो रोने लग गया था। उसकी मम्मा ने कहा तुमने और मिठाई खाई थी। फिर उसके उसको रोना देख के उसकी मम्मा क्या बोलती है कि तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो तुम्हें वापस सही कर देंगे। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसका उसके दांतों को चेक करता है। आफ्टर 30 मिनट्स बाद डॉक्टर गीगल्स को क्या बोलते हैं कि तुम्हें खाना खाने के बाद मुंह साफ करना है और दिन में दो बार ब्रश करना है। गीगल्स डॉक्टर को थैंक यू बोलता है एंड मैं गीगल्स अपनी मम्मा को सॉरी भी बोलता है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर जो है, चैप्टर 9 क्या है, गीगल्स हैज अ टूथ एग, रीड कर लिया हमने। आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या किया, इसमें क्या हुआ था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके क्या करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि आपको किसमें करने होते हैं, कॉपी में करने होते हैं, तो वो आप डिफिकल्ट वर्ड्स कॉपी में राइट डाउन करोगे। कैसे करोगे, तो कॉपी में आपको ऐसे करना है, क्लास वर्क, डेट हमेशा मेंशन,
डेट हमेशा मेंशन करोगे, डेट मेंशन के बाद क्लास वर्क के बाद चैप्टर, चैप्टर के बाद चैप्टर का नेम, गीगल्स हैज अ टूथ एग, यही है अपने चैप्टर का नेम, गीगल्स हैज अ टूथ एग। फिर उसके बाद वन लाइन लीव, फिर डिफिकल्ट वर्ड, फिर नंबर वन टूथ एक, दांतों में दर्द, फिर सेकंड अगेन मतलब वापस, नंबर थ्री ईटिंग मतलब खाना, नंबर फोर्थ वेल मतलब सही करना, नंबर फिफ्थ रिमेम्बर मतलब याद रखना, नंबर सिक्स्थ नेवर मतलब कभी नहीं, नंबर सेवन्थ ट्वाइस मतलब दो बार, नंबर एट लिसन मतलब सुनना, नंबर नाइन क्राई मतलब रोना, नंबर टेन हर्ट्स मतलब हर्ट मतलब दुखी होना। क्लास वर्क, चैप्टर, चैप्टर का नेम, फिर वन लाइन लीव, रेड डैश किया मतलब वन लाइन लीव, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड लिखा, उसके बाद फर्स्ट लिखोगे टूथ एक्ट, टी ओ टी एच ए सी एच ई, फिर नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में नंबर टू अगेन ए जी ए आई एन, फिर नंबर थ्री ईटिंग ई ए टी आई एन जी ईटिंग, फिर नंबर फोर्थ वेल डब्ल्यू ई एल एल वेल, फिर नंबर फाइव रिमेम्बर आर ई एम आर ई एम ई एम बी ई आर रिमेम्बर, फिर नंबर सिक्स नेवर एन ई वी ई आर नेवर, फिर नंबर सेवन ट्वाइस टी डब्ल्यू आई सी ई ट्वाइस, फिर नंबर एट लिसन एल आई एस टी ई एन लिसन, फिर नंबर नाइन्थ क्राई सी आर वाई क्राई, फिर नंबर टेंथ हर्ट्स एच यू आर टी एस हर्ट्स। ये 10 डिफिकल्ट वर्ड्स आपकी कॉपी में होने चाहिए, और आपका काम हमेशा रेगुलर आपकी कॉपी में होना चाहिए, और आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन। 10 डिफिकल्ट वर्ड्स किस में करने हैं? कॉपी में करने हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पेज नंबर 85 पे शो व्हाट यू नो। तो ये शॉर्ट व्हाट यू नो वाला क्वेश्चन है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। आज हमने क्या किया, आज हमने चैप्टर रीड किया, किसके बारे में था वो, गीगल्स के बारे में था, जिसको क्या स्वीट्स पसंद थी, ज्यादा स्वीट्स खाने की वजह से और मम्मी की बात नहीं सुनने की वजह से उसके दांतों में क्या दर्द हो गया था, फिर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, हॉस्पिटल में उसके दांतों का दर्द सही किया, और डॉक्टर ने उसको क्या क्या करने के लिए कहा था, दांतों को साफ रखने के लिए कहा था, अपने माउथ मतलब मुंह को साफ रखने के लिए कहा था, और ब्रश करने को लिए कहा था कि ब्रश करना है दिन में दो बार, रात को खाना खाने के बाद और सुबह उठने के बाद। फिर उसने अपनी मम्मी से सॉरी कहा था क्योंकि उसने अपनी मम्मी की बात नहीं सुनी थी। ये बात, फिर यहाँ पे ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। फिर हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड्स किए, जो कि आपको किस में करने हैं, कॉपी में करने हैं, डेट लगा के, क्लास वर्क, चैप्टर, चैप्टर का नेम, फिर 10 डिफिकल्ट वर्ड्स, लाइन लीव सिर्फ यहाँ पे करनी है, ओके। 10 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने हैं, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शो शो व्हाट यू नो वाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम स्टे सेफ।